अस्सलाम भाई जान। वालेकुम सलाम, कैसे हो आप? बड़े प्यार से पाला है आपने इसको। बचपन से पाला है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मस्तान है। मस्तान है। ये कितने महीने का था जब आप लाए थे? लाया नहीं, ये अपने बकरी का ही बच्चा है। बकरी का बच्चा है ना? अच्छा, का बच्चा है। तो अभी ये कितने साल का है? ये अभी ये बकरी में 2 साल का हुआ। 2 साल हो तो इसको अभी क्या ज़बह करेंगे आप? लेकिन इतनी जो मोहब्बत है आपको इससे, क्या करें, ये तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा, इसको इसकी खुराक क्या है? इसकी खुराक है काजू बादाम। हाँ, सूत। सूत सर्दी के लिए सूत खाते हैं बच्चे लोग, वो है। और चना है, मकाई है, गेहूँ है। अच्छा, अपनी घर की जो रोटी चावल जो बचता है वो है। अच्छा, ये आपको मारता है? हाँ, ये क्यों आपसे झगड़ा कर रहा है? वो उसके लिए है के लिए, वो बकरी को बंद किया ना। अच्छा, 2-4 बीड़ी दे दो। अच्छा, बीड़ी भी खाता, बीड़ी भी पीता है। आपको एक बात मैंने देखी है, आपकी इतने साल में बांद्रा में रहा हूँ, आपका पड़ोसी हूँ मैं, लेकिन आपकी जो मोहब्बत बकरों के साथ है ना, बड़ी दिलचस्प है। अभी मेरे को नहीं भी बोले तो 44 ईयर्स हो गए जो जानवर पालते इधर ही बाजार में। नहीं देखा मैंने, 44 ईयर्स नहीं देखा। 11 साल की उम्र से जानवर पालते। आपकी माँ भी आपकी साल का था, हमारे बाप को शौक था ये बहुत। अच्छा, जानवरों का। अच्छा, नहीं आपकी जो माँ है ना, मम्मी आपकी, वो भी मेरी पोतियों को बहुत चाहती थी। और मेरी पोतियाँ अगर आपको याद है तो ये बकरों के पास आती थी। आपको पता है एक बकरा का था जो मेरी पोती को बहुत चाहता था, उसका नाम था जिम्बा। जिम्बा जिसको जो बकरी में जिम्बो जिम, हाँ, लाल कलर का, हाँ, वो सब फोटोज उसके ना इंटरनेट पे है। वो मैंने हमारे बड़े भाई को दिया। हाँ पता है मुझे। हाँ, उसका एक बकरा बीमार होकर काट दिया ना। उस बकरी की खूबी आपको नहीं पता है, आज आपको बताऊंगा। मैं नमाज शूट करके आ रहा था और जिम्बा को ज़बा कर रहे थे, ज़बा नहीं हुआ था जब तक मैं बनी पहुंचा। और जब मैं पहुंचा हूँ ना, तब उस, आपको पता है ना मैं था उस दिन, उसको फिर ज़बा किया। इसकी कुछ बातें बताइए ज़रा, बोलिए कुछ, इससे कुछ काम करवाइए कुछ। बोल क्या बोलता है? देख क्या बोलते देख। आज गुस्से में? गुस्से में तो डेली देता है। अच्छा, गुस्सा तो डेली उसके आग के हाथ में करते हैं। अरे वाह, बढ़िया। बच्चे लोग को नहीं? बच्चे। अच्छा, उसको नहाने को हफ्ते में 2-3 बार नहाने को मांगता। अच्छा, ठंडी में गर्म पानी, गर्मी में ठंडा पानी। अच्छा, उसके बाद नवरत्न तेल सर पे। अच्छा, तेल है सर पे। अच्छा, कान से उतर रहा है। सबसे ज़्यादा ये किसको चाहता है? आप ही को चाहता है? हाँ चाहता, मैं इसको चाहता हूँ। अच्छा, ये तो कई गिराक आए खरीदने के, नहीं भी चाबी भी गिराक खड़ा है उसके। कितना देने को तैयार है? नहीं नहीं, मेरे को परवाह नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। अभी वो आया था 24 तक आया था, मैं बोला 24,000। मैं बोला नहीं, लेकिन आपने जितना उसको पाला है, न्यास के लिए रखा है, न्यास के लिए। और कोई होता 24,000, सुनिए तो आप, और कोई होता 24,000 मिलेगा वो तो आराम से बेच देता। आप भी जगह पे दे देंगे? हाँ, जगह पे दे देगा। और आज की महंगाई के टाइम में, लेकिन आपकी तो हैरत हो रही है मुझे। लेकिन मैंने इसके लिए मन्नत रखा है कि इसका गोश्त कम बांटूंगा। हाँ, ज़्यादा करके पका करके जो बूढ़ी औरतें हैं, हाँ, जिनको शिक्षा नहीं, जो कमा नहीं सकती है, खेतन पर बैठ के भीख मांगती है, तो सोचता हूँ कि उनके लिए पैकेट बना करके चावल और गोश्त और पुलाव का पैकेट उनके हिस्से में। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। भले मैं खर्चा करूँ? नहीं नहीं, मुझे पता है। अरे भाई, आपका पूरा नाम बताइए ना। मोहम्मद अली अब्दुल गफूर हमदार। आप लोग तीन भाई हैं? हाँ, तीन में चार भाई। चार भाई, एक तो हामिद भाई है, एक हामिद, एक करीम है, एक चार। अच्छा, आप सबसे छोटे हैं क्या? और सबसे अम्मा के चाहते आप ही लगते हो मुझे। सब चाहते हैं, चारों बेटे चाहते हैं, 2 बेटी है, 2 बहन। अच्छा, नहीं नहीं, आपका तो मुझे बहुत, और ये मैं चाह रहा हूँ कि दुनिया को पता चले कि आपकी मस्तान और आपकी क्या क्या रिश्ता है। मस्तान को इधर करिए थोड़ा, इधर देख, इधर देख, इधर 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 मुंडी घुमा, जरा मुंडी घुमा। हाँ, इधर इधर मुंडी घुमा, इधर देख, इधर इधर। अरे इधर देख, इधर देख। आज बहुत नाराज है आपसे। अरे वो नाराज, पूरा घर में टेबल खेत डालता, टेबल को बांधता ना। मैंने वो हीट पे है ना अभी, और क्या करूँ, इसको ज़्यादा बकरी के पास छोड़ूंगा तो ये खराब हो जाएगा। हाँ सही है।
इसकी सेहत खराब हो जाएगी। बोलिए, मैंने बकरी के साथ थी इसको करता हूँ। ज़्यादा मैं बकरी के साथ क्रॉसिंग नहीं करा था, मेरे जो है वही बस। अच्छा, ज़्यादा बकरी क्रॉसिंग कराऊंगा इसको तो इसकी सेहत खराब हो जाएगी। सेहत खराब हो जाएगी। और ये अंदर बकरी को झाँक रहा है। छोटी वाली आई थी ना, देखा मैंने। मोहब्बत भी बड़ी, मोहब्बत भी बड़ी अजीब चीज़ है। देखो अभी मारेला अभी पड़ती है। ये आपके पैर पे कैसा? ये अरे बहुत दागी है मेरे पैर पे, सब अच्छा कर दिया, मैं दवा खा गया। इसको एक आप नमक भी तो देते हो ना, वो क्या है? वो काय के लिए है बताइए ना? वो लाहौरी नमक। हाँ, वो नहीं, वो काय के लिए? वो इनके पेट के हजम के लिए। अच्छा, वो कितने टाइम आप देते हो? वो जब वो पड़ा है अंदर, ये लोग खुद ही चाटते रहते जाते। उससे क्या होता है? खाना हजम होता है। हाँ, जबान साफ रहती है। गुलाब। अच्छा, एक बात और है, एक बात और है, आप जुए भी निकालते हैं इनकी? हाँ, निकालता ना। ये अंडील है, इसके पेशाब की बात से ना इनको जुए होती है। अच्छा, बकरी को नहीं है इन्हें? मतलब ये अंडील है? अंडील है। अच्छा, इसको खस्सी नहीं है, अंडील है। समझ गए। हाय, अंडील क्या मतलब उसका? हाँ, अंडील बोलते हैं। तो इसकी बात से जुए होती है। और अगर खस्सी होता तो? नहीं, अगर खस्सी होता तो? खस्सी को नहीं होती। अच्छा, चलिए हुजूर, बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर हम आपसे एक और